अपनी आशीषें और बरकतों को पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अबनेजर चर्च बिलगा को और इस बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। इस नए भवन में लेके आया और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि एवेंजर चर्च का जो नाम रखा गया और खुदा सच में आज उस जगह में खड़ा कर दिया। हालेलुया। और आने वाले दिनों में बाइबल बताती है कि जहां दो या तीन जमा है मैं उनके बीच में उपस्थित। और उपस्थित कैसे परमेश्वर होता है? आज संसार में बहुत से लोग चमत्कार को नमस्कार बोल के चल देते हैं। चमत्कार को नमस्कार करके बस नमस्कार से मतलब है। जहां चमत्कार वहां भीड़, इतनी भीड़ की भीड़, नेपाल, यूपी, बिहार, कहां कहां से लोग। लेकिन चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणी सब कुछ क्या होता रहेगा? छाता रहेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा कायम रहेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर तुम विश्वास करो तो परमेश्वर की सामर्थ को देखो। और वचन है जो मनुष्य को चंगा करता है। हमारे अंदर कोई खूबी कोई लियाकत नहीं। कलाम में अभी लिखा है तुम परम प्रधान याजकों के ऊपर भी भरोसा मत कर। मैं इंसान हूं, मेरे ऊपर भी भरोसा मत करना। लेकिन ये जो आसमानी किताब, जो रूहानी वचन है, इसके ऊपर मनन करना और विश्वास करना, यही आपकी जिंदगी को बचाएगा। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, प्रभु के दास पास्टर पवन जी का। मैंने वो दिन देखे हैं इनके लाइफ के, खुदा ने घूरे से उठा करके आज चट्टान पे खड़ा किया। हालेलुया। और परमेश्वर अपने कार्य के लिए दबे पीसे कुचले हुए लोगों को चुनता है। हालेलुया। और उनको सुरमणि बनाता है। आइए, समय ज्यादा व्यस्त ना करते हुए हम लोग वचन में जाएंगे। मरकुस अध्याय एक, उसका एक वचन से लेके चार वचन तक पढ़ेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है वचन के द्वारा हम लोगों से। क्योंकि संसार में जब यीशु मसीह का जब आगमन हुआ, यीशु मसीह के द्वारा यूहन्ना भविष्यवक्ता एक बात वो हमेशा लोगों को कहता रहा। और यीशु मसीह ने भी एक बात कहा, हम कितना भी प्रार्थना कर ले, कितना भी दुआ कर ले, लेकिन अगर हमारे अंदर क्षमा नहीं है तो हम कुछ भी। भोजपुरी में हम गीत गाते हैं, चंगाई पावल बहुत बात नहीं है, लेकिन मन के फिरावल बहुत बात होला। यीशु पास आइल बहुत बात नहीं है, लेकिन यीशु के अपनावल बहुत बात होला। अबहू से चेतला समय बांटे कम हो, ना जाने कब ये निकल जाई कम हो। दिखावट के भक्ति बहुत बात नहीं है, लेकिन मन के फिरावल। यीशु मसीह के पीछे चलना, यीशु मसीह के साथ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने एक बात कह डाली, हे पिता इन्हें क्षमा कर, माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते। हालेलुया। और यहां पर यीशु मसीह जब आरंभ हुआ सुसमाचार का, तो एक बात के साथ उद्धार की कथा, उद्धार की बातें। हाँ, पढ़िएगा। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, जैसा यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। देख मैं अपने दूत, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरी एक परमेश्वर जो स्वर्ग से यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से जो जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि लोगों का जीवन उद्धार पाए। हालेलुया।
और यही प्रचार यहूदा ने क्या किया, आगे पढ़िएगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा था कि हाँ, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। अब देखिए उद्धार की जो बातें हैं, जो उद्धार की कथा है, लिखा है जंगल में। आज लोग कहां जाते हैं, जहां एसी लगा है, जहां पंखा लगा है, लेकिन यहां कहता है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द क्या है, सुनाई देता है। क्या सुनाई देता है, प्रभु का मार्ग क्या करो, तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। उसका मार्ग क्या है, जंगल में, यानी ऐसी ऐसी जगहों पर। आज सब लोग ऊंचा स्थान खोजते हैं, है ना। अगर किसी को बैठना होगा तो वो उधर नहीं बैठेगा, बोलेगा इधर कपड़ा गंदा हो जाएगा, उधर नहीं, इधर बैठेंगे। लेकिन बाइबल बताती है यूहन्ना सुसमाचार प्रचार का जब आरंभ कहा कि वो जंगल में पुकारने वाले का, कि परमेश्वर का मार्ग क्या करो, सीधा। उसका मार्ग क्या है, कोई जन बताए उसका मार्ग क्या है। उसका मार्ग हम और आप है। हालेलुया। वो कैसे परमेश्वर उसके मार्ग को सीधा करना, यानी अपने पापों का पश्चाताप करना और अपनी इच्छाओं को मारना और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, और तब आप परमेश्वर के मार्ग बन जाएंगे। हालेलुया। आगे यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ के बपतिस्मे का प्रचार करता था। हालेलुया। पापों की क्षमा के लिए, किसके लिए, मन फिराओ का बपतिस्मा। हालेलुया। मन, हालेलुया, इस मन फिराओ का बपतिस्मा, क्योंकि समय बहुत ही भयानक है। योएल नबी की किताब दो बाब उसका 12 आयत निकाल लीजिए। कैसे उसने ये प्रचार किया, परमेश्वर का मार्ग क्या करो, सीधा। हालेलुया। मलाकी की किताब 3 अध्याय 1 वचन, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हालेलुया। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते और पीटते और अपने पूरे मन से फिर करके मेरे पास आओ। हालेलुया। मन फिराओ। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन से यानी दिल से, अपने पूरे मन से फिर करके कहा आओ, मेरे पास आओ। आज तक अपनी मर्जी से मन में आया बढ़िया खाना खाया, मन में आया अच्छा कपड़ा पहना, अपनी मन की मर्जी से जीवन जिया और चला, लेकिन अब समय आ गया है। वो याजक हो, लेवी हो, विश्वासी हो, कोई भी हो, यीशु मसीह किसी का पक्षपात, सबका न्याय होना है। हालेलुया। लिखा है अपने पूरे मन से फिर करके मेरे पास आओ, क्योंकि दिन बहुत ही भयानक आने वाले हैं। हालेलुया। आगे, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करने निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। और वचन कहता है अपने पूरे मन से फिर करके कहा आओ, मेरे पास आ। हालेलुया। कैसे फिर के आना, पूरे मन से।
यानी मन को फाड़ करके वस्त्र नहीं हृदय को ही फाड़ देना है। इसके मतलब कि आप अपने इच्छाओं को मार दो और अपनी मर्जी से जीना छोड़ दो, यीशु मसीह के चलाए चलो और यीशु मसीह को पहन लो। हालेलुया, क्योंकि दिन बहुत ही भयानक है। हालेलुया, जब लड़ाई होता है ना, अगर बंदे के अंदर जान ना रहे तो पता क्या बोलेगा, लाफर मैं दिखावे का वस्त्र फाड़ते हैं लेकिन दिल नहीं फाड़ते। हालेलुया, अपने वस्त्र नहीं यानी दिखावे की भक्ति नहीं, हृदय को फाड़ के परमेश्वर के पास आना, क्योंकि दिन बहुत ही भयानक आने वाले। हालेलुया, अभी समय है कि परमेश्वर के राज में किस तरीके से चलना, अपनी मर्जी से नहीं परमेश्वर की इच्छा से चलना। हालेलुया, मलाकी की किताब 3:1 उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मारे को मेरे आगे सुधारेगा। हालेलुया, वहां पर यूहन्ना क्या बोलता है कि परमेश्वर का राज निकट है, मन फिराओ, उसका मार्ग तैयार करो। उसका मार्ग क्या है, हम और आप हैं कि हम पश्चाताप के साथ यीशु मसीह के पास आए और वचन पर विश्वास करें, क्योंकि वचन ही है जो आपको चंगा करेगा। हालेलुया, किसी मनुष्य के ऊपर नीति वचन 29:25 इसमें लिखा है कि मनुष्य का भय खाना फंदा होता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया, यहां पर लिखा है देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं जो मार्ग को मेरे आगे क्या करेगा, सुधारेगा। उसका मार्ग आप है। आज उद्धार पाने के लिए इंसान क्या से क्या नहीं करता है, आपको मालूम है कि आप एक इंसान अच्छी तरह से खुदा ने आपको बुद्धि दिया है और अपने स्वरूप में रचा है। अगर आपको दवा लेना है तो दवा की दुकान पर जाएंगे, सब्जी लेना है सब्जी की दुकान पर जाएंगे, कपड़ा लेना है कपड़े की दुकान पर जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि उद्धार पाना है तो उद्धारकर्ता के पास जाना है। हालेलुया, वो परमेश्वर का कलाम यहां पर स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें वो मार्ग बना लो अपने जीवन में, अपने पापों को छोड़ो, यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण कर लो। और तब लिखा है वो परमेश्वर जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हालेलुया, कैसे वो परमेश्वर अचानक आपके मंदिर में आएगा, जब तक आप यीशु मसीह का मार्ग नहीं बनोगे। हालेलुया, जब तक आप परमेश्वर का मार्ग नहीं बनोगे। और मार्ग कैसे बने, फिर से उसी को पढ़िएगा ऊपर से। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और मैं मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और वो मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। परमेश्वर का राजदूत, परमेश्वर ने अपने दास पाशित पवन को इस जगह में एक राजदूत बना के भेजा है। हालेलुया, वो मार्ग आपको बताएगा और आपको यीशु मसीह का मार्ग बन जाना है, पाप को छोड़ के पश्चाताप करके। और तब लिखा है वो परमेश्वर, हाँ पढ़िएगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो हाँ? मैं अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। और वो परमेश्वर जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, मैं वाचा का वह दूत हाँ? जिसे तुम चाहते हो हाँ? सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आगे, परंतु उसके आने के दिन कौन को कौन सह सकेगा। अब उसका आने के दिन को कौन सह सकता है, जब वो आएगा तो भयानक एक समय होगा। हालेलुया, उसके आने के दिन को कौन सह सकता है। हाँ, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा। और जब वो दिखाई
क्योंकि वे सुनार की आग, हाँ वो सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है, और धोबी के साबुन के समान है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के मार्ग बन गए हैं प्रभु अगर आपके जीवन में, तो आपका स्वभाव, आपका उठना बैठना सब कुछ बदल जाएगा और वो परमेश्वर सेम नहीं रखेगा। सुनार सोने को भट्टी में डाल के उसे पकाता है, इसलिए कि वो सोना में थोड़ा भी कचरा ना रह जाए। वो एकदम बहुत कीमती 24 कैरेट का सोना बन जाए। हालेलुया। वैसा वो चाहता है हमारे जीवन में। हालेलुया। वो धोबी के साबुन के समान है। आप कपड़े धोते हैं, आपको मालूम है मैल की कोई कीमत होती है? मैल की कोई कीमत? कपड़े की कीमत है। हालेलुया। अगर पुराना कपड़ा है उसको धुलाई करके सुखा दो और उसे बढ़िया से प्रेस करके सामने लेके आओ, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन मैल की कोई कीमत? उसी तरह हमारा जीवन है। जब तक हम परमेश्वर के मार्ग नहीं बनेंगे, परमेश्वर के बेटा और बेटी नहीं बनेंगे, तब तक हमारे लिए कोई उद्धार और कोई उन्नति की बातें हमारे जीवन में नहीं है। आप मान लीजिए, ये किसका बेटा है आपका? किसका है? मान लीजिए मैं शिष्य जी की बात करता हूं, अगर ये आपका बेटा है, अगर स्कूल से आता है और आते ही बस्ता ऐसे भगा के मारे और दरवाजे पर लात मारे और बोले मम्मी मुझे खाना दो, तो आप क्या करोगे? डांटोगे नहीं? डांटोगे बाद में, पहले क्या बोलोगे? अरे बेटा तो स्कूल से चल चल कपड़े निकाल, पहले बस्ता रख, चल पानी पी ले, पहले कैसे बच्चा मेरा बहुत धूप में आया है, है ना? क्यों क्यों आप ऐसा करेंगे? क्योंकि वो आपका बेटा है, वो आपका बेटा हो, उसका अधिकार है। जब हम प्रभु के बेटा और बेटी बन जाएंगे, हमें अधिकार मिल जाएगा। हालेलुया। ये इनका बेटा है, ऐसे आके बस्ता फेंकता है दरवाजे पर, लात मारता, बोलता मम्मी मुझे खाना दो, इनको खाना देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? बेटा है, उसने पाला है इसे, उसे सिखाया है, इसका अधिकार है, वो इस घर का वारिस है, और हमें भी उस खुदाबंद का वारिस बनना है। हालेलुया। हमें भी उसका बेटा बनना। हालेलुया। हमें उस परमेश्वर का मार्ग बन जाना है, वो परमेश्वर जिसके लिए हम तड़प रहे हैं कि प्रभु मेरे घर में आए, प्रभु मेरे जीवन में आए, प्रभु मेरे सोच और विचारों में आए और मेरा जीवन बदल जाए। जब इस तरीके से करेंगे तो हम भी प्रभु के बेटा और बेटी बन जाएंगे। हालेलुया। ये बेटा इसका अधिकार है। और मान लीजिए इसको छोड़ दो, अगर कोई पड़ोसी का बेटा आए या कोई भिखारी आए और दरवाजे पर लात मारे, बोले फिर मुझको खाना दो, तो क्या करेगी? खाना देगी? पहले डंडा उठाएगी। क्यों उठाएगी? क्योंकि मालूम है ये मेरा बेटा। जब तक आप प्रभु के बेटा और बेटी नहीं बनेंगे, आपका उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। वो सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान हमें क्या करेगा? शुद्ध करेगा। हालेलुया। मैल की कोई कीमत? और चलो हालेलुया। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये नोट है। और ये क्या है? ये दोनों कागज है बहन जी। क्या है दोनों? ये कागज और ये भी कागज, लेकिन इसका कोई कीमत और इसका कीमत? क्यों इसका कीमत है? क्योंकि इस पर इंडिया गवर्नमेंट का मोहर और गवर्नर की साइन है, इसलिए इसका कीमत है। हालेलुया।
ये भी कागज, ये भी कागज, लेकिन धर्मी और अधर्मी दोनों में फर्क जिस तरह है उसी तरह इस पेपर में है। हालेलुया। अगर इस कागज को हम ले जाकर के दुकान पर बोले, आपकी दुकान है मनिहारी की, मैं आपके पास लेके जाऊं, बोलू भाई बहन जी मुझे एक कंघा दे दो, ये पकड़ो, आप दे दोगे? अगर इस कागज को नहीं, इस कागज को पकड़ाएंगे फिर मिल जाएगा ना? उसी तरह जब तक हम प्रभु के बेटा और बेटी, एक मूल्यवान कीमती जीवन नहीं बन जाते हैं, हमारा कोई इस संसार में अस्तित्व नहीं है। और कैसे होगा ये कीमत कैसे बनेगी? जब आपका ये जीवन ऐसा है उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जिस दिन आप प्रभु का मार्ग बन जाओगे, जिस दिन आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करोगे और पानी में पिता पुत्र परमात्मा के नाम से डूब कर बपतिस्मा लोगे, उसी दिन से उस राजाओं के राजा का स्टैंप और उस गवर्नर का मोहर आपके जीवन में लग जाएगा। हालेलुया। और तब आपकी कीमत बढ़ जाएगी। हालेलुया। तब आप एक मूल्यवान व्यक्ति हो जाएंगे। हालेलुया। हमें सबसे पहले यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। हालेलुया। क्योंकि वही लोग बचाए जाएंगे जिनका नाम जीवन की पुस्तक में होगा, और उनका नाम जीवन के पुस्तक में किसका होगा? जो प्रभु के बेटा और बेटी होंगे। हालेलुया। फिर आ जाए वही योल किताब, तो उसका 13 से अपने बस्तर नहीं अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वे अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करना निधान और दुख देकर पछताने हारा है। और अपने वस्त्र नहीं, यानी दिखाने का जीवन नहीं, दिखाने का भक्ति नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा उठना बैठना सारी बातों को जानता है। हमें सच में एक सच्चे परमेश्वर का सच्चा बेटा और बेटी बनना है। हालेलुया। अपने वस्त्र नहीं, हृदय को फाड़ के। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसने अपने हृदय को फाड़ा। कौन है? जिसने अपने दिल को फाड़ दिया। दिल को फाड़ने का मतलब क्या हुआ? समझते हैं? अपनी जो बहुत कीमती चीज है, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने 1,00,000 का एक गहना पहना हुआ है, और समय ऐसा आ गया कि पास्टर जी बोले इसको निकाल करके उधर फेंक दो, ये तुम्हारे काम की नहीं है, इतने सोने के लिए तरसते हो और स्वर्ग में सोनों की सड़कें पर दौड़ोगे, लेकिन बर्दाश्त नहीं होगा, उसको हजम नहीं होगा, कहेगा कैसा बात। हालेलुया। अपने वस्त्र नहीं, हृदय को फाड़ना। अब्राहम, एक ही बेटा उसके पास, कितने वर्ष के बाद हुआ? यानी कि 90 बरस के बाद, ऐसे समय में हुआ उसके बाद कोई उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन खुदा ने कहा अब्राहम मेरे लिए अपने बेटे को क्या कर? कुर्बान कर दे। वो पिता की आज्ञा को सुना और ये नहीं कहा कि प्रभु मेरे बुढ़ापे का सहारा है, उसने कहा यस प्रभु। आपको मालूम है बेटा भी साथ चल रहा है, अब्राहम भी साथ, उसके सिर पर लकड़ी है, छुरी है, आग, सब कुछ, तो बेटा साथ साथ चल के पूछ रहा है, वो बता नहीं रहा क्योंकि वो पिता की आज्ञा को पूरी करने के लिए जा रहा है। पूछ रहा है पिताजी छुरी भी है, लकड़ी है, सब कुछ है, लेकिन बलि के लिए मेमना कहां है? उसने कहा यहोवा आप ही इंतजाम करेगा। हालेलुया। अगर स्थिति ऐसी आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? कहेंगे ले प्रभु केड़ा जानता उठे तब बलि थोड़ी देना। हालेलुया। लेकिन याद रखना मेरा परमेश्वर जीवन लेने वाला नहीं है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वस्त्र नहीं, हृदय को फाड़ के आना।
बेटा और बेटी के बीच में, जो अपने बेटा और बेटी के बीच में और जो बेटा बेटी नहीं है उनके बीच में एक अंतर है। 5 साल से चर्च आते हैं, खूब गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब ऑफरिंग की बारी आती है तो दिल थोड़ा धड़कना चालू हो जाता है। खूब गीत गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर के, और पहले जेब में हाथ डाल के देखते हैं कि कहीं 500 वाला ना पकड़ा जाए, वो 10 वाला है। हाँ ठीक है, गीत गा रहे हैं, आंख बंद है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेके, लेकिन पहले दिमाग लगाते रहते हैं ये कहीं वो ना पकड़ा जाए। अगर भाई चांस बुलेखा में अगर चंदे की थैली में अगर 500 का नोट पड़ गया तो क्या होगा? यीशु मसीह भी गाए, वचन भी गाए, भजन भी गाए, पादरी भी गाए, कुछ याद नहीं। रास्ते में चलते चलते तो भैन जी वो मैं सोचा खरे वो 10 वाला है, वो तो 500 वाला पै गया, मैं तो आंख बंद करके इतना पाया थी, वो तो पै गया, मैं की करा। वो पूरा रास्ता सब कुछ गाए भाई 500 पै गए। हालेलुया। इंसान आज भक्ति अपने दिमाग से कर रहा है, दिल से नहीं। हालेलुया। लेकिन जो जन से बोता है, हालेलुया, परमेश्वर उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देता। आगे पढ़िएगा, क्या जाने वे फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और उर्ग दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, प्राणियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवाओं को भी इकट्ठा करो, दूल्हा अपने कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आई। हालेलुया। अब समय बहुत ही करीब है, लिखा है कि बच्चे और दूध पियो को भी लेके परमेश्वर के भवन में आओ, और सबसे पहले जिनकी लाइफ और जिंदगी का स्टार्टिंग है, दूल्हा अपने कोठरे से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल करके परमेश्वर के देवरी में आए, क्योंकि दिन बड़े ही भयानक है। बाइबल बताती है कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले। लेकिन आज बहुत से लोग अपनी ही समझ से आराधना करते हैं, अपने ही दिमाग से आराधना करते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है जिसको बुद्धि की कमी हो किसे ले ले? परमेश्वर से। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को तो साइड में छोड़ देते हैं जी, आपको बाद में देखेंगे, पहले मैं अपना सिस्टम चला लूं। तो बाइबल बताती है वो मेरा उठना बैठना सारी बातों को। हालेलुया। मैं आज थोड़े लोगों को देख करके यहां पर मन में मेरे बहुत वो हो रहा है, लेकिन मैं जानता हूं बाइबल बताती है कि बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। विश्वास योग होकर के विश्वास योग जीवन जीना, पर दिल से अपने दिमाग से नहीं। एक बार पादरी साहब विजिट करने के लिए गए विश्वासियों के वहां, और एक नई विश्वासी एक पुरानी विश्वासी दोनों साथ साथ चर्च आते हैं जाते हैं। पादरी साहब को दूर से ही देख करके पास्टर जी जय मसीह की, पादरी साहब एकदम खुश, आहा मेरे विश्वासी बहुत अच्छे। दूर गेट से जैसे आते हैं जय मसीह की, लेकिन वो प्रार्थना कैसे करते हैं, बीज कैसे बोते हैं, वो दिमाग से। हालेलुया। तो पादरी साहब जब 2 हफ्ता हो गया विजिट करने के लिए, क्या बात हो गया 2 हफ्ता हो गया अभी विश्वासी आ नहीं रहे, तो जाके देख रहे हैं एक पुरानी वाली इधर है और नई वाली उधर है, और दोनों साथ साथ आते हैं बातचीत करते और जाते हैं, और दोनों 2 हफ्ते से नहीं आ रहे। तो पास्टर जी जाके मोटरसाइकिल पीछे खड़ा करके देख रहे हैं, दोनों में इंडिया और पाकिस्तान चल रहा है।
लेते रहेगी देते रहेगी। और वो फिर नई वाली बोलती, अरे तेरे पीछे तेरा पादरी आया, यही सिखाता है तूने, मैंने ऐने मोटी मोटी कट दीती है। जिड़ी पुरानी है ये भी सामने होता कदे दे मुंह निकल जाए मुझे पता, पर वो कहती तेरे पीछे तेरा पादरी है, पादरी ऐसे कर कभी ऐसे टाइम पादरी में आवना की करी। बाइबल बताती है तू अपनी समझ का सहारा, लेकिन हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। कह रही क्या, हाँ इतना समय हो गया, इसने मुरे को बहुत सुनाया, और पास्टर कब इधर जाएगा, मैं भी थोड़ा इसको, क्योंकि मेरा भी यहाँ इकट्ठा हो गया, और कब उसके मुंह से निकल जाए। लेकिन वो बार बार पास्टर को देख करके वो कहती, मैं कौन सी इसको सुनाऊं कि मेरा पास्टर भी खुश हो जाए, मेरा मन भी शांत हो जाए, तो मेरा प्रभु भी खुश हो जाए। तो सोचते सोचते मन में कह रही है, अब तू नहीं मानेगी, अगर मुझे तू गाली दे रही है तो मैं भी तुझे गाली, पता है कौन सी गाली, तेरा पति मर जाए हालेलुया, तेरा पति मर जाए हालेलुया। वो कहते 20 में मैं ये जोड़ दूंगी, तो पास्टर को ये हालेलुया 20 में जोड़ दिया, खुश हो जाए। नहीं, बाइबल बताती है अपनी बुद्धि से अपनी समझ से हमें कुछ भी करना, और जहां हम अपना दिमाग लगाएंगे वहीं हम फेल हो जाएंगे, वहीं हम एकदम गिर जाएंगे। हालेलुया, हमें जो भी करना है वो यीशु के नाम से करना। हालेलुया, अगर बोना है तो अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से बोना। हालेलुया, प्रार्थना करना है तो दिल से प्रार्थना करना है, प्रभु के भवन में आना है खुशी और आनंद से आना। हालेलुया, और तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों को बदल देगा। हालेलुया, परमेश्वर इस प्रश्नों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे, सबको जय मसीह। एक जोरदार ताली बजाइए। अगर आपको अच्छा लगा, सच में